नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग में मची भगदड़ में अब तक दोस्तों 116 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। कुछ रिपोर्टों में 134 लोगों के मौत होने की खबर भी है। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे शामिल हैं। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस नारायण हरि के सत्संग में 134 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जिस बाबा की लापरवाही से महिलाओं और बच्चों की मौत हुई वो बाबा प्रशासन की कृपा से गायब है। बता दें कि हाथरस में इतने लोगों की मौत के बाद सूरजपाल अपने चेलों के साथ मैनपुरी में छिपा हुआ है। वहां पर उसका कुटीर चैरिटेबल आश्रम है। उस आश्रम के अंदर और बाहर बड़ी मात्रा में बाबा के समर्थक भी मौजूद हैं। बाबा की मौजूदगी की भनक मिलने के बाद पुलिस भी आश्रम के बाहर पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि पुलिस रात में हाथरस के इस गुनहगार के खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसे में उसकी बाबा के चेलों के साथ भिड़ंत की आशंका भी बनी हुई है। वहीं नारायण हरि के चेले जगह जगह ये साबित करने में जुटे हैं कि हादसे की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, लेकिन सच्चाई यह है कि नारायण हरि के इस सत्संग में व्यवस्था के नाम पर कीचड़ और दम घुटने का माहौल दिया गया था। नारायण हरि को भी मालूम था कि उसे केवल 50 भक्तों को बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन नारायण हरि और उसके चेलों ने कम से कम करीब 50,000 लोग बुला लिए थे। क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं? क्या अब भी लगता है कि नारायण हरि और उसके चेले 116 से अधिक लोगों की मौत की वजह नहीं है? नारायण हरि भी जानता था कि उसके इस सत्संग में आने जाने वाला रास्ता काफ़ी सकरा है। वो जानता होगा कि जब सत्संग खत्म होगा तो हमेशा की तरह भक्त उसके पैर छूने या पैरों की धूल लेने के लिए उसकी तरफ आएंगे। इसके बावजूद उसने मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ की। और तो और, इसके भगदड़ के वक्त इसके चेलों ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिससे हालात और ज़्यादा खराब हो गए हैं। हम आपको इस बाबा की कुंडली बताने जा रहे हैं। इसे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये आदमी किस लेवल का खिलाड़ी है। नारायण हरि को लेकर दावा किया जाता है कि एटा का ही रहने वाला है। बाबा बनने का ख्याल इसे 10 साल पहले नोएडा के पास की घोड़ा कॉलोनी में आया था। वहां पर उसने अपने 5 चेलों के साथ प्रवचन वाला धंधा शुरू किया और यहां तक पहुंच गया है। और अब इसने इतने लोगों की जान ले ली। फिलहाल ये बाबा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर।